दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद आपको आगे की जिंदगी किस तरह से जीनी है वो पता चल जाएगा। जरा आप सोच कर देखो कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छी जगह पर घूमने जाओ, आपके साथ एक छोटा बच्चा भी हो और आपसे ऐसी घटना घट जाए जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम जेम्स और एमी को देखते हैं और उनकी बेटी जिसका नाम सारा है। रास्ते में इनको इनके दो और दोस्त मिलते हैं जो डैन नाम के दोस्त के पास जा रहे होते हैं। और तो और, ये सीन देखकर हमें ये पता चलता है कि इनके कॉलेज टाइम पर एमी इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी। अब दोस्तों, जिस जगह पर ये जा रहे होते हैं ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम एमी को डरा हुआ देखते हैं, पर तभी उसका हस्बैंड जेम्स उसको सहारा देता है और कहता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। दोस्तों, एमी यहाँ पर इसलिए डर रही होती है क्योंकि कुछ दिन पहले एमी के डैड की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई होती है और इसी बात को वो याद करते हुए अपनी सेफ्टी कर लेती है। इसी के बीच हम ये देख पाते हैं कि इन सब का दोस्त डैन आ जाता है और ये सब निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। हम इन सब को देख पाते हैं जो बहुत एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ पार्टी भी। दोस्तों, तभी हम ये देख पाते हैं कि डैन की गर्लफ्रेंड उन सब को कहती है कि चलो अब हम पानी में उतरते हैं और वो दोनों पानी में कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि जेम्स और एमी ऊपर ही होते हैं क्योंकि उनकी बेटी अकेली होती है। अब दोस्तों, बातें करते करते वो दोनों ऊपर जाते हैं और जेम्स एमी से पूछता है कि तुम स्विमिंग क्यों नहीं करते। तो एमी उसको बताती है कि जब से मेरे डैड की पानी में डूबकर मृत्यु हुई है तब से मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अब जेम्स बिना कुछ सोचे समझे एमी को पकड़कर पानी में कूद जाता है। इसी बीच पानी में जाते ही एमी को पता नहीं क्या हो जाता है। पानी में जाते ही उसको वही सीन याद आता है जब एमी के डैडी उसको स्विमिंग सिखा रहे थे और फिर इसी के चलते एमी के डैड की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो सब देखते हैं कि ये सब पानी में तो कूद गए पर इनमें से किसी ने भी सीढ़ियों को नीचे तो किया ही नहीं। अब ये गलती इन सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। खैर, यहाँ पर मिचेल तैरते तैरते थक चुकी थी और ये सोचकर घबराना शुरू कर देती है कि अगर हम ऊपर नहीं गए तो हम यही मारे जाएंगे। अब जेम्स एक टॉय की मदद से ऊपर जाने की बहुत कोशिश करता है पर वो बार बार गिरता जा रहा था। और तो और दोस्तों, इस यॉर्थ में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता जिसकी वजह से ये सब ऊपर चढ़ सकें। अब यहाँ पर एमी को अपनी बच्ची की फिक्र होने लगती है, अगर वो और भी ज्यादा देर भूखी प्यासी रही तो मारी जाएगी। अब दोस्तों, इसी बीच डैन का फोन रिंग करने लगता है जिसकी आवाज वो सुन लेते हैं और अब डैन को कैसे भी करके उस जैकेट को पाना होगा जिसमें फोन रखा है। वो बहुत कोशिश करने के बाद उस जैकेट को पा लेता है और तुरंत ही किसी को फोन करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी मिचेल ज्यादा पैनिक होने के कारण उससे फोन छीन लेती है जिस वजह से वो फोन उस समुद्र में घिर जाता है। वो सब के सब मिचेल पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद थी और तुमने उसको भी खो दिया। अब मिचेल उनको बताती है कि मैं अपने आगे पीछे किसी चीज को महसूस कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मुझे छू कर निकल रही है। ये सुनकर दोस्तों डैन पानी के नीचे जाता है जहाँ पर उसको ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आती और फिर डैन उन सब को कहता है कि अगर हम सब अपने कपड़ों को उतार कर एक रस्सी तैयार करें तो शायद हम ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, ये सब सोचते हैं कि कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कोशिश करी जाए। इसी बीच उनके सामने से एक बोट गुजरती है जो बहुत तेज स्पीड में होती है। ये सब उनसे मदद मांगने के लिए हाथ उठाते हैं पर वो लोग तो सोचते हैं कि ये उनसे वेव कर रहे हैं। वेल दोस्तों, इस सीन से एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो उस बोट को कैसे रोकते। वहीं जेम्स बोट के नीचे जाकर ये देखता है कि कहीं कोई जगह तो नहीं है उसके अंदर जाने के लिए। वहीं बाहर ये लोग उस कपड़े की रस्सी को बोट के ऊपर फेंकते हैं, वो रस्सी उस पर फंस तो जाती है पर जब ये उस पर चढ़ते हैं तो तभी दोस्तों वो रस्सी टूट जाती है जिससे ये सभी लोग निराश हो जाते हैं। वहीं नीचे जेम्स को एक बड़ी सी मछली दिखती है जिसे देखने के लिए वो और भी नीचे जाता है, उसको पकड़ लेता है। अब जेम्स के सर पर कुछ लग जाता है, इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता पर जब एमी उसको देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है।
अब ये उस बोट पर चढ़ने की हर हदों को पार कर देते हैं। दोस्तों इनकी मंजिल इनके सामने है पर वो उसको पा नहीं सकते। अब इसी बीच दोस्तों जेम्स का खून पानी में मिक्स हो जाता है, यानी समुद्र में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कई दूरी से ही खून की खुशबू सूंघ कर आ जाते हैं। खैर अब इनके बोट के ऊपर चढ़ने के भगदड़ में वो चक्कू जैक के पेट में घुस जाता है। सब लोग मिलकर उसको देखते हैं पर मिचेल ये देखकर और भी दूर भागने लगती है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि दोस्तों इतने गहरे और विशाल समुद्र में कोई कितना ही तैर लेगा। तभी हम देख पाते हैं कि कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो समुद्र में डूबना शुरू हो जाती है, जिससे जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये पहली मौत होती है इन सभी में से, और तो और जैक की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसका घाव काफी बढ़ गया होता है। अब इसी के चलते ऊपर स्पीकर में आवाज आती है जो सारा की होती है। वो उठ गई होती है और अब उसको कुछ खाने को चाहिए। अब डैन उन सब से माफी मांगता है और कहता है कि दरअसल ये बोट मेरी नहीं है बल्कि मेरे बॉस की है। अब दोस्तों वो कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम सबको बता सकूं कि मैंने इतना कुछ बना लिया है अपनी लाइफ में, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। ये सब बातें बताते बताते वो रोने लगता है क्योंकि अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है। पर अब इनको बहुत देर हो चुकी है। इनमें से इनके दो दोस्त मारे जा चुके होते हैं, ना जाने और कितने मारे जाएंगे। अब नोवा डैन को पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। वो सभी को कहती है कि मैं आगे जाकर कुछ देखती हूँ, क्या पता मंजिल मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर नोवा सोचती है कि मरने से तो अच्छा है कि कोशिश करके मरे। अब चलिए दोस्तों ये देखते हैं कि इनको मंजिल मिलती है या नहीं, या फिर इनकी भी वही मृत्यु हो जाएगी मिचेल और जैक की तरह। अब वो डैन को कहती है कि आखिर तुम्हें ही उस चक्कू को ढूंढने नीचे जाना होगा जिसे बेचारा जैक ढूंढने गया था। अब यहाँ पर डैन को भी समझ आ जाता है कि हमारे पास अब यही रास्ता है और चला जाता है उस चक्कू को ढूंढने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी के बाहों में लेटा जेम्स धीरे धीरे दम तोड़ रहा होता है, और थोड़ी ही देर बाद दोस्तों हमें ये पता चलता है कि जेम्स की भी मृत्यु हो गई होती है। एमी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है जिसे वो शायद कभी भुला पाएगी। तभी डैन भी ऊपर आ जाता है और यहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है। डैन जेम्स की ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और इन सब के पीछे वो अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है क्योंकि दोस्तों इसकी बहुत छोटी गलती से आज एक मासूम बेटी का पिता मर गया। अब वो कैसे भी करके एमी को बोट के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। बहुत परेशानियां झेलने के बाद आखिर वो एमी को बोट के ऊपर चढ़ा ही देता है, और फिर एमी भी जल्द ही अपनी बेटी सारा के पास जाती है और उसको कुछ खाने पीने को देती है। दूसरी तरफ डैन को इस बात की तो खुशी होती है कि उसने एक मासूम बेटी को अपनी माँ से मिला दिया, पर इस बात का उसे हमेशा सदमा रहेगा कि उसने एक मासूम बेटी को उसके पिता से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब इसी के चलते डैन भी मिचेल की तरह दूर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद जब एमी बोट से पानी में देखती है तो उसे डैन की लाश पानी में तैरते हुए मिलती है। अब दोस्तों ये सब आए तो पांच जने थे पर बचे सिर्फ दो, एमी और उसकी बेटी सारा। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या एमी सही से अपने घर पहुंच गई या फिर वो भी इन सब के तरह मारी गई, इन सब सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी सर्वाइवल मूवीज और भी मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।